नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। इस वर्ष रामनवमी और हनुमान जयंती के बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं। धार्मिक जलूसों और भजन कीर्तन के नाम पर तो बस प्रोवोकेशन ही देखने को मिला, ठीक मस्जिदों और मुसलमान इलाकों के बाहर। नतीजा के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, आज की बातचीत का ये फोकस भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के सोशल डिस्कोर्स में धर्म ने अपना प्रेजेंस 2014 के बाद ही दिखाई हो। हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म के मायने इस शब्द के यूरोपियन मूल से हमेशा से ही अलग था। 19वीं और 20वीं शताब्दी के धार्मिक रिवाइवल और रिफॉर्म्स मूवमेंट कभी कभी उन वर्षों के राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करना बहुत मुश्किल था। अपने प्रार्थना सभाओं के जरिए गांधी जी ने धर्म के नॉन सेक्टेरियन और डीपली फिलोसॉफिकल फैसेट्स को हाईलाइट किया। 1922 में जब सिडिशन चार्जेस पर उन्हें अरेस्ट किया, तब वे जेल में सब धर्मों के ग्रंथ साथ लेकर गए थे। हम सभी जानते हैं कि गांधी जी का पसंदीदा भजन कौन सा है, वैष्णव जंतो तेणे कहिए, जिन्हें गाना आता है गुनगुनाने लगते हैं। परंतु नरसिंह मेहता के शब्दों का मतलब पर शायद बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया हो, विशेष रूप से वैष्णव जन के आइडिया पर। आज हम अपने सिविक स्पेस में वैष्णव जन के आइडिया को कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे। समकालीन भारतीय इतिहास में धर्म की भूमिका, वैष्णव जन कौन है और धर्म को कैसे पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनने से रोक सकते हैं, इन सब पर बातचीत होगी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद जी से। तो अपूर्वानंद जी, हमारे इस इतिहास पे जो चर्चाएं करते हैं हम लोग, इस कार्यक्रम में जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। हम बात करें कि आज धर्म देखने को हर सार्वजनिक स्थल में, लेकिन अगर हम पीछे इतिहास में देखें तो हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में भी धर्म किसी ना किसी तरह से प्रेजेंट रहती थी। गांधी जी की तो रोजाना प्रार्थना सभा होती थी। गांधी जी ने कभी अपने रिलीजियोसिटी को छिपाया नहीं, लेकिन उनकी रिलीजियोसिटी आज की रिलीजियोसिटी से बिल्कुल फर्क है। आज हिंदुस्तान में हर एक कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि गांधी जी की फेवरेट भजन क्या थी। लेकिन अगर पूछा जाए किसी को कि वो क्या मायने है, नरसिंह मेहता के उस भजन के क्या मतलब है और वो आज के कॉन्टेक्स्ट में क्यों जरूरी है हमको उसको समझना, तो मैं सबसे पहले आप समझाइए उस भजन के बारे में, वैष्णव जन तो तेणे कहिए। यह जो भजन है वैष्णव जन तो तेणे कहिए, यह भजन जो नरसिंह मेहता का लिखा हुआ है और वे गुजराती के एक भक्त कवि थे, 15वीं शताब्दी के वे कवि थे, यही उल्लेख मिलता है, एक रहस्यवादी कवि, वैष्णव मत को मानने वाले। और यह वह समय था जब पूरे देश में दक्षिण से उत्तर तक भक्ति कविता या भक्ति साहित्य का एक प्रकार का आंदोलन चल रहा था। अब यह आंदोलन आज के आंदोलन की तरह का नहीं है। ये माना जाता है कि नरसिंह मेहता ने जो रास्ता अपनाया उससे उनकी जाति के लोग, उनके समुदाय के लोग प्रसन्न नहीं थे। लेकिन गांधी में आपको नरसिंह मेहता का बहुत उल्लेख नहीं मिलता है, इन सारी बातों का बहुत उल्लेख नहीं मिलता है। यह भजन हम जानते हैं, इस भजन के बिना गांधी की कल्पना करना कठिन है। और गांधी का नाम आते ही जो सबसे पहला भजन लोगों के दिमाग में आता है, अगर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, अगर उसको साथ बात करेंगे तो वैष्णव जन है। और वैष्णव जन में जो पहली पंक्तियां हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस भजन को अपनाने के लिए या भजन एक तरह से गांधी की आत्मा का स्वर बन गया
उसके लिए ये पहली दो पंक्तियां ही पर्याप्त थी, वैष्णव जन तो तेणे कही अजय पीर पराई जाने रे। यानी जो दूसरों का दर्द जानता है वही वैष्णव जन है। गांधी इसके वैष्णव शब्द को उस वैष्णव मत के व्यक्ति के रूप में लेते भी नहीं है, वो वैष्णवता को परिभाषित ही दूसरे तरीके से करते हैं। वैष्णवता या वैष्णव वह है जो दूसरों का दर्द समझता है, जो दूसरों के लिए जब काम करता है तो उसमें कोई अभिमान उसके मन में नहीं आता है जी। तो गांधी के जो दूसरे उसूल थे, सिद्धांत थे, जो सिद्धांत एक तरह से आप कह सकते हैं कि आत्महीन कर देने के सिद्धांत थे, अपने आप को विसर्जित कर देना, विलीन कर देना, अपनी कोई सत्ता नहीं रखना, इसके सिद्धांत, उससे बहुत मेल खाता हुआ यह भजन था। और इसलिए गांधी ने इस भजन को अपनाया और एक तरह से जिसे आप सिग्नेचर सॉन्ग कह सकते हैं स्वाधीनता आंदोलन का, गांधी के अभियान का भी, वह वैष्णव जन बन गया। और उसके बाद भारत के बड़े बड़े गायकों ने, संगीतकारों ने इस भजन को गाया और मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत कुछ उन्होंने इस भजन को गाया इसलिए कि इस भजन से गांधी का संपर्क हुआ और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का संपर्क हुआ। और मैं उसको सिर्फ स्वाधीनता आंदोलन नहीं करना चाहूँगा बल्कि मैं उसको भारतीय चेतना का आंदोलन करना चाहूँगा, जिसमें गांधी अंग्रेजों से भारत को आज़ाद करने के मुकाबले एक समय था जब उन्हें ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा था कि भारत से अस्पृश्यता पूरी तरह से ख़त्म हो। लोगों को लगने लगा था कि गांधी ने राजनीति छोड़ ही दी है और गांधी का कहना था कि अगर यह प्रश्न हल नहीं होता है तो स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। और उसी प्रकार जैसे यह प्रश्न उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और इस पर बाद में बहस हो सकती है, अम्बेडकर से उनके मतभेद, बाकी सब लोगों से मतभेद, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि अगर भारत में किसी एक राजनीतिज्ञ ने जाति के प्रश्न को उसकी गंभीरता में समझा और जाति जिस अलगाववाद को और विभाजन को और ऊंच नीच की विचारधारा को स्थापित करती है, दूरी को स्थापित करती है, उसको जिसने ठीक से समझा वो गांधी थे। और इसलिए उन्होंने एक लंबा वक्त दिया कि इस भजन के सहारे क्या मैं एक ऐसा व्यक्ति बन सकता हूँ और ऐसे ऐसे व्यक्तियों का क्या निर्माण किया जा सकता है जो दूसरों के दर्द को समझते हों, जो हमदर्द हों, जो संवेदनशील। तो आज के हम, जैसे आप भी बता रहे थे कि हम आज की राजनीति के साथ कोरिलेट करेंगे अभी जो हम बात कर रहे थे, तो आज के युग में हम लोग किसी को देख पाते हैं क्या हमारे राजनीति में जो दूसरों के दर्द को वाकई उस तरह से समझते हैं जैसे समझना चाहिए? आपको क्या लगता है? यह सबसे कठिन साधना है दूसरों के दर्द को, इसको अलग अलग तरीके से कहा गया है। जैसे ये कहा गया है जाके पैर न फटी बिवाई, आपके पैर अगर बिवाई नहीं फटी है तो आप उसका दर्द नहीं समझ सकते। तो लेकिन दर्द समझने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पैर बिवाई फटे, आप उस अवस्था में जाएं। फ्रेडरिक एंगल्स सर्वहारा नहीं थे लेकिन कार्ल मार्क्स से मित्रता होने में फ्रेडरिक एंगल्स को कोई परेशानी नहीं हुई और वे इसीलिए ऐसा कर पाए कि वे अपने वर्ग के परे जाकर सोच पाए। और मनुष्य के अंदर यह एक खूबी है कि वह अपनी सीमा के बाहर जा सकता है, अपने दायरे के बाहर जा सकता है। आमतौर पर जैसे हम लोग कहते हैं कि अब देखिए ये पाकिस्तानी हैं, ये श्रीलंका के लोग हैं, नेपाल या बांग्लादेश के हैं, ये हमारे जैसे ही लगते हैं, तो इसके पीछे एक संकीर्णता है। यानी आप किसी से आत्मीयता तभी स्थापित कर सकते हैं जब वो आपकी तरह के लगते हैं। जबकि इस भजन में बात दूसरी कही गई है और जो पराया शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है कि हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि हम हैं और दूसरे हैं और हमारे और उनके बीच एक दूरी है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। इस दूरी के रहते हुए, उस दूसरेपन के रहते हुए, उनके हमसे पूरी तरह से भिन्न होते हुए क्या हम
उनकी इच्छा आकांक्षा उनकी तकलीफ, इस यहाँ जब दर्द कहा जा रहा है तो दर्द का मतलब सीधे सीधे दर्द नहीं है बल्कि एक तरह की संवेदनशीलता है, यानी हम उससे सहानुभूति स्थापित कर सकते हैं। क्या भारत में दलितों की अवस्था को समझने के लिए, मैं जानता हूं कि हमें और आपको इस बात का कोई अवसर नहीं मिलेगा कि हम उसको समझ सकें जी, यानी हमारे जीवन की ऐसी कोई भौतिक परिस्थिति नहीं होगी, लेकिन यह बाधा नहीं बननी चाहिए कि हम जान सकें कि दरअसल भारत के दलितों ने किस प्रकार का जीवन जिया है और उसके कारण आपकी उनसे पूर्ण सहानुभूति हो, बिना शर्त सहानुभूति हो, और आप उनके सहयोगी बनकर उनके न्याय के संघर्ष में काम कर सकें। तो यहाँ जो पराया शब्द है वो महत्वपूर्ण है, यानी आप दूसरे को खत्म नहीं कर देना चाहते हैं, दूसरे को अपने में विलीन नहीं कर लेना चाहते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में एसिमिलेट करना कहते हैं, आपका वह प्रलोभन नहीं है आपके पास कि आप उसे अपने आप में मिला लें पूरी तरह से, उसका दूसरापन बनाए रखते हुए उससे एक रिश्ता आप कायम कर सकें जो बराबरी का हो और हमदर्दी का रिश्ता। जी, हम ये देखते हैं कि आज के युग में खासतौर से जो सत्तारूढ़ पार्टी है, इनकी पूरी राजनीति जो है वो दूसरे को दिखा के और दूसरे का भय दिखा के, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं दी पॉलिटिक्स ऑफ अदराइजेशन, कि वो दूसरे हैं और वो दूसरे के साथ ये लोग, हमारे भी कुछ लोग मिले हुए हैं, तो ये सब एक मेजर कॉन्स्पिरेसी के हिस्से हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, शायद चीन भी शामिल है, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, जिसमें शायद ईसाई भी शामिल हैं, और जिसमें हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट भी शामिल हैं जिनको अर्बन नक्सल बोलते हैं जो भी, और सबसे बड़ी बात यह कि सिविल सोसाइटी और मीडिया भी उसी के हिस्से में आते। तो ऐसे जो जो राजनीति है जिसमें दूसरे को एक तरह से एनिमी की तौर पे हमेशा पेश किया जाता है, तो क्या ये बिल्कुल गांधी जी की जो सेंट्रल रिलीजियोसिटी, जो सेंट्रल जो उनकी जो फेवरेट भजन थे, इसके बिल्कुल विपरीत नहीं जाती है? तो ये कहां से गांधी का नाम जपते रहते हैं? असल चीज ये ध्यान रखने की है कि न्याय के लिए जिन्होंने संघर्ष किया उन्होंने गांधी को अपना दोस्त माना, और इस वजह से गांधी को नकारना बहुत कठिन है, तो वह एक बाध्यता है। लेकिन हमें पता है कि गांधी में कोई गांधी के उसूलों में किसी भी प्रकार की उससे प्रतिबद्धता इस सत्ताधारी दल की नहीं है, यह बात हम लोगों को मालूम है, और आपने स्वयं ही स्पष्ट कर दिया कि इस सत्ताधारी दल का जो की जो पद्धति है सोचने की वह गांधी के बिल्कुल उलट है। अब आप मुसलमानों को लें, ईसाइयों को लें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या समझ है, या विनायक दामोदर सावरकर की क्या समझ है? आपने तो किताब लिखी है उनके सिद्धांतकारों पर और आप जानते हैं, बहुत सरल ढंग से यह समझ यह है कि भारत नामक भौगोलिक प्रदेश को में जिसकी पुण्य भूमि है और जो उसको पुण्य भूमि समझता है अपनी, और वह स्वाभाविक तौर पर पहले हिंदुओं की है, ऐसा उनका कहना है, वह भारत का पहला नागरिक होगा, या फिर जो बोलते हैं कि इंडिक रिलीजन्स, इंडिक रिलीजन्स जिसमें इंडिक रिलीजन्स बौद्धिक, उनको भी ये लोग अपने अंदर संभाल लेते हैं। एक अगर इनको मौका मिलेगा तो, जैसे बीच बीच में ये कोशिश करते रहते हैं कि सिख धर्म को ये कहते हैं कि वो एक शाखा है हमारी, बिल्कुल चारों तरफ प्रचारित किया ही गया है कि दरअसल सिख हिंदुओं की रक्षा करने के लिए पैदा हुए हैं, यानी एक तरह के चौकीदारों के रूप में उनको सामने रखा जाता है, पहरेदार के रूप में। तो वो मौका मिलेगा तो बौद्ध धर्म हो, जैन मत हो, वो सब सारे के सारे हिंदू धर्म की शाखाओं के रूप में स्थापित किए जाएंगे। तो इसलिए जिनको इंडिक कहा आपने, भारतीय कहा, और गैर भारतीय, ये दो विभाजन किया गया, और ये इसलिए बहुत दिलचस्प है कि ये भौगोलिक विभाजन है। धर्म के बारे में हम ये समझते हैं कि धर्म भौगोलिकता से जुड़ा हुआ नहीं होता है, धर्म तो भौगोलिकता से भिन्न है। अब शिव को हम कहते हैं कि वो त्रिलोक के स्वामी है, लेकिन अगर शिव को आप बांध देंगे सिर्फ भारत भूमि से, एक भौगोलिकता से बांध देंगे,
तो यह धर्म की एक बहुत विचित्र व्याख्या है, जिसको आप मैंने भौगोलिक ढंग से की गई व्याख्या है, और एक तरह से धर्म को संकुचित कर देना है। यह कोई दूसरा धर्म नहीं करता, यह सिर्फ हिंदू के साथ किया गया। और इसीलिए सावरकर ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि मैं दरअसल धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक राजनीतिक विचारधारा की बात कर रहा हूं जी, है ना। और हिंदुत्व राजनीतिक विचारधारा है, इस बात को सबको समझना चाहिए। इसलिए जो बात सावरकर कह रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, उसके मुताबिक हिंदुओं या भारतीय धर्मावलंबियों और गैर भारतीय धर्मावलंबियों में बुनियादी भेद है, उन दोनों के हित एक नहीं हो सकते। वह एकता की बात करता है, जैसे फासिज्म भी करता है, फासिज्म अंततः एकता की बात करता है, अपने लोगों को कहता है एक हो जाओ, लेकिन किसकी किस कारण से एक हो, किसके एक हो, और अगर एक हो तो उसमें किसी के खिलाफ एक होने की बात है या नहीं। तो यहां भी दिखलाई पड़ता है कि जब भी हम एक होने की बात करते हैं तो हम हमेशा एक बिंदु को रखते हैं अपने सामने जिसके विरुद्ध हमें एक होना है, और वह जो दूसरा बिंदु है उस बिंदु पर मुसलमान खड़े हैं, ईसाई खड़े हैं, गैर भारतीय धर्मावलंबी खड़े हैं। तो यह एक स्थायी अंतर इन दोनों के बीच है, इन दोनों का हित मिल नहीं सकता। अगर ये लोग अधीनता स्वीकार कर लें, अगर हम स्वीकार कर लें कि हम पूरी तरह से अपना अस्तित्व आप में मिला देंगे, तो इनको स्वीकार किया जा सकता है। और इसीलिए मेरी समझ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कि वह एक फासिज्म का एक ऐसा रूप है जो अगर पूर्ण विनाश की बात ना करे, एनिहिलेशन की बात ना करे, एलिमिनेशन की बात ना करे, तो वो स्थाई अधीनता की बात करता है। गांधी की विचारधारा का इससे बुनियादी अंतर है। और आधे मिनट में हम सिर्फ ये कहें कि गांधी दूसरों को समझते थे, इसीलिए उन्होंने कहा जब कुछ उत्साही ईसाइयों ने और उत्साही मुसलमानों ने गांधी से कहा कि आप जब इतना बढ़िया कहते हैं इस्लाम को और इतना अच्छा कहते हैं ईसाइयत को, तो आप हो क्यों नहीं जाते, हो क्यों नहीं जाते। और गांधी का तो कहना यही था कि मैं जब तक ये अंतर बना के नहीं रखूंगा, यह अंतर है यह होते हुए। और इसीलिए गांधी ने कहा कि मेरा सर्वप्रिय ग्रंथ तो गीता है जी, लेकिन यह हो सकता है कि गीता खो जाए, गीता की एक भी प्रति पूरी दुनिया में न रहे, बिल्कुल, और मैं गीता भूल भी जाऊं, यह हो सकता है, फिर भी अगर मुझे सर्मन ऑन द माउंट अगर याद exactly. तो मुझे उतना ही आध्यात्मिक सुख मिलेगा जितना गीता पढ़ने से होता। यह गांधी का नजरिया है। इसलिए गांधी ने कभी यह नहीं कहा कि कुरान को संपादित कर दो, गीता को संपादित कर दो। उन्होंने कभी हिंदू धर्म को दूसरों से श्रेष्ठ नहीं बतलाया। उनके लिए इस्लाम भी श्रेष्ठ था, ईसाइयत भी श्रेष्ठ थी, हिंदू धर्म भी श्रेष्ठ था, और सबको एक दूसरे से संवाद करना, गांधी ने यह कहा था। हालांकि इसको मानने में बहुत कठिनाई होती है लोगों को, उन्होंने यह कहा था कि हर धर्म एक स्तर पर अपर्याप्त है और हर धर्म को दूसरे धर्म से सीखना है। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि 1922 में जब गांधी को गिरफ्तार किया गया था सिडिशन के चार्ज पे, तो वो अपने साथ जो किताबें ले गए थे वो सब धर्मों के, हिंदू, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के किताबें साथ लेके गए थे। तो क्या हिंदुस्तान की जनता को यही मैसेज देने के लिए लेके गए थे साथ? मुझे लगता है कि दुनिया में शायद इतना ज्यादा रिकॉर्डेड कोई व्यक्ति नहीं रहा होगा जिसका एक एक कदम रिकॉर्ड किया जा रहा हो, जिसका एक एक क्षण रिकॉर्ड किया जा रहा हो। तो गांधी सचेत थे, उनकी एक एक भंगिमा का अर्थ था, उनको पता है, उनकी भाव भंगिमा का अर्थ था। तो गांधी इसको लेकर बहुत सचेत थे, हर चीज का एक सांकेतिक अर्थ था। लेकिन हम यह भी ना समझें कि गांधी दरअसल एक संकेत देने के लिए गए थे, नहीं, गांधी स्वयं उन ग्रंथों को अपने साथ रखना चाहते थे। और आपको यह पता है कि वह जब अहमदनगर की जेल में थे और दूसरी जगह थे, तो गांधी ने काफी विस्तृत अध्ययन किया था
गांधी को समय बहुत कम मिलता था बाहर, तो इसलिए वहाँ उन्होंने काफी विस्तृत अध्ययन, और इसी वजह से वे इन ग्रंथों को भी साथ ले गए थे। लेकिन इस घटना को जब हम आज याद करते हैं तो हम जरूर ये समझ सकते हैं कि आप इन चारों ग्रंथों को साथ रख सकते हैं बिना विद्वेष के। जैसे आज हम बहुत सारे लोगों को व्यंग्य करते हुए सुनते हैं, कहते हैं कुरान को क्या आप संपादित करेंगे, नहीं करेंगे, क्या आप इन आयतों को निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, क्या बाइबल में ये करेंगे, नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो गांधी ने तो कभी ये मांग नहीं की। गांधी को पता था कि जो धर्मग्रंथ होते हैं वे बहुत ही जटिल रचनाएं होते हैं। गीता को भी उन्होंने कहा कि वो एक तरह की कविता है, महाभारत एक तरह की कविता है, उसे मैं इतिहास की तरह नहीं लेता। राम को उन्होंने कहा, राम को मैं ऐतिहासिक पुरुष नहीं मानता, वे मेरे लिए काव्यात्मक चरित्र हैं, कल्पना है। आपने रघुपति राघव राजा राम की बात की थी। हम लोग अक्सर बोलते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लेकिन उसके बाद की बातें भूल जाते हैं। सबको सन्मति दे भगवान, आज के कॉन्टेक्स्ट में कितना महत्वपूर्ण है। आपने शुरू में एक चर्चा की बात की थी, जो चर्चा कुछ दिन पहले हम लोगों ने सार्वजनिक तौर पर आयोजित की थी, वैष्णव जन कौन है, और उस चर्चा में इस पद का उल्लेख आया था, सबको सन्मति दे भगवान। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि, और अशोक वाजपेयी ने ध्यान दिलाया था कि यहाँ सबको सन्मति देने की बात है, सबको ही सन्मति देनी है और कुछ नहीं देना है, संपत्ति नहीं देनी, सन्मति देनी है। और ये सन्मति क्या हो सकती है? और दूसरा तुलसी का पद है सुमति, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सुमति जहां हो, तो सुमति और सन्मति, और इस सन्मति की व्याख्या आप कर सकते हैं कि सन्मति में कितने प्रकार की सन्मति। एक सन्मति है जिसमें आप दूसरों का आदर करते हैं, आप दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, आप एक तार्किकता अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। तो यह सन्मति है क्या, इसकी व्याख्या की काफी गुंजाइश है, और इसीलिए यह एक तरह की काव्यात्मक पंक्ति भी है। और इसीलिए गांधी के जितने भजन हैं और पद हैं, और गांधी की प्रार्थना भी है, गांधी की प्रार्थना भी बहुत मानिखेज है कि वह सर्वधर्म प्रार्थना है। सारे धर्मों के जो आध्यात्मिक वचन है आपको सुनाई पड़ेंगे, वे सिर्फ वचन नहीं है, शब्द नहीं सुनाई पड़ते हैं, बिल्कुल भिन्न भिन्न भाषा की ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। बिल्कुल। तो आप बिना समझे भी दरअसल बिल्कुल दूसरे सांस्कृतिक लोक में चले जाते हैं, और उनमें एक आध्यात्मिक सूत्र है जिससे आप बंध जाते हैं। तो एक प्रकार से आप दूसरे धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव को स्वीकार भी करते हैं जी, और उसका लाभ भी आपको मिलता है। हमने बात सुचित की शुरुआत की थी, वैष्णव जन की परिभाषा, जन वैष्णव जन कौन है। आज जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा वैष्णव जन नहीं है, जो हैं भी शायद अंदर से घबराते हैं कि अगर हम कुछ बोले, इंटरवेंशन करें, तो हो सकता है कि मुझे खतरा हो सकता है। तो हम और वैष्णव जन कैसे बनाएं, जो हम हर एक के अंदर जो वैष्णव जन है उसको किस तरह से एम्पावर किया जा सकता है। अब देखिए, अभी 3 घंटा पहले मैं पढ़ रहा था कर्नाटक के ही कुछ पुलिस कर्मियों के बारे में। कर्नाटक का पूरा माहौल कैसा है आप देख रहे हैं, सब जानते हैं, लेकिन मैं पढ़ रहा था कि वहां के कुछ पुलिस कर्मी मस्जिद मस्जिद जा रहे हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, और जाकर वह सह भोजन करा रहे हैं, यानी सबके साथ भोजन। अब ये पुलिस कर्मी कर रहे हैं, यह कोई उनकी लिखित उन कर्तव्य में नहीं है, लेकिन यह काम कर रहे हैं। और मैं मानूंगा कि वह पुलिस कर्मी एक प्रकार के वैष्णव जन हैं। मैं आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में सुबोध कुमार सिंह का नाम आपको याद होगा, जो पुलिस कर्मी थे और जो तथाकथित गौ रक्षकों का मुकाबला करते हुए मारे गए। तो मैं सुबोध कुमार सिंह को एक वैष्णव जन मानता हूँ, जो यह उनका कर्तव्य भी था, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत सारे पुलिसकर्मी यह करना जरूरी नहीं समझते हैं। सुबोध कुमार सिंह उस प्रकार के एक वैष्णव जन थे। मसलन मैं देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को वैष्णव जन मानता हूँ।
जो मुसलमान नहीं है, लेकिन उन्होंने समझा कि ये जो नागरिकता का नया कानून आया है इससे जो मुसलमानों को ठेस पहुंची, वे जो अपमानित महसूस कर रहे हैं, इस अपमान को उन्होंने महसूस किया और वे मुसलमानों के साथ खड़ी हुई। इस प्रकार के जितने भी लोग हैं वे वैष्णव जन हैं, और इसी और इसीलिए मैंने कहा कि दरअसल वैष्णव जन एक धार्मिक पद है, लेकिन वैष्णव जन एक आधुनिक पद है, और वैष्णव जनत्व आप प्राप्त तभी कर सकते हैं जब आपको न्याय की समझ हो। अगर न्याय के सिद्धांत को आप जानते हैं और न्याय के लिए संघर्ष करने को तैयार है, उस संघर्ष में आप अपने व्यक्तित्व का, अपने अस्तित्व का हिस्सा लगाने को तैयार हैं, तभी आप वैष्णव जन हैं, अन्यथा आप वैष्णव जन नहीं हैं। उसकी कीमत भी देनी पड़ सकती है, गांधी ने दी जी। बिना मन में कोई दुर्भाव रखे हुए 1980 का दशक था जब धर्म ने राजनीति में आना प्रवेश करना शुरू किया था। एक तरह से था तो हमेशा ही, लेकिन जो हम लोग बोलते हैं, जो बड़ी बहुचर्चित किताब आज दूसरे खेमे में चले गए, एमजे अकबर साहब, उन्होंने कितनी रायट आफ्टर रायट, वही होता था। तो उस समय जब हम भी, मैं भी उसी समय पत्रकारिता में आया था 40 वर्ष के करीब पहले, तो सांप्रदायिक दंगे होते थे, लेकिन दंगे होने के बाद, वायलेंस के तुरंत के बाद, लोग ठीक उसी तरह से एंथुजियाज्म से, जो लोग इंटरवीन नहीं कर पाए थे वो पीस कमिटीज बनाते थे, पीस प्रोसेशंस निकालते थे और जुलूस निकालते थे उन एरियाज में से। बहुत वक्त के बाद इस बार जहांगीरपुरी में इस तरह की घटनाओं का थोड़ा सा रेफरेंस देखने को मिला। तो मुझे पता है कि बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए जब इतना घंघोर अंधेरा सब जगह छाया हुआ है, लेकिन क्या आप मानेंगे कि ये वैष्णव जन अपने टेरिटरी को रिक्लेम करने की शुरुआत है? देखिए, हमारे सामान्य जीवन में, जो हमारा सामान्य जन जीवन है जी, उसमें इसके बहुत सारे संसाधन मौजूद हैं। हम सारे लोग, ये भारतीय समाज की खासियत रही है कि हम सारे लोग अगल बगल रहते आए हैं, हालांकि हमारी कमी ये रही है कि हम प्रायः एक दूसरे से उदासीन भी रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन का बहुत कुछ है जो साझा होता आया है। हमें दूरियां मालूम हैं, लेकिन हम लिहाज भी करते रहे हैं, जैसे हिंदू लिहाज करते हैं, ताजिए का लिहाज, बाकी चीज़ों का लिहाज, मुसलमान भी लिहाज करते हैं। अभी पिछले दिनों में बात कर रहा था ईद के आसपास अपने मित्रों से, बिहार के मित्रों से, तो उनमें एक हमारे लेखक मित्र हैं ऋषिकेश सुलभ, उन्होंने याद दिलाया कि ईद के समय उनके गांव के जो जिनके पास गाय होती थी हिंदू जी, जी, वो गाय दुहते नहीं थे, क्योंकि ईद में सेवई बननी है, तो वह पहले दुह के ले जाए मुसलमान। उसी तरह जब होली आती थी या इस तरह के अवसर आते थे, तो मुसलमान जिनके पास गाय थी वे छूते नहीं थे गाय, ताकि जो हिंदू हैं वे दुह के ले जाएं गाय। तो ये सारे साधन हमारे भीतर मौजूद हैं। दिक्कत ये है कि एक सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है जिसमें इस हिंदुओं और मुसलमानों और ईसाइयों के बीच जो साझा जगह है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, दोनों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो अब यह हो गया है कि हम अलग अलग रहने लगे हैं, क्योंकि मिली जुली आबादियां बहुत कम हो गई हैं। तो अगर 25 वर्ष 30 वर्ष की उम्र के हिंदू मुसलमान हों तो साझा जीवन का अनुभव बहुत कम है। 2002 के बाद यह और भी कम हो गया। तो यह एक है चुनौती, लेकिन इसके बावजूद जैसा मैंने कहा हमारी यादें हैं। अब मैं भोजपुरी का वह गाना जो मेरा एक गायक मित्र है गाता है, और वो कितना प्यारा गाना है, आज मोहम्मद पैदा भइले आमना के अंगना जी। अब यह भोजपुरी का गीत है जिसमें मोहम्मद के पैदा होने की एक तरह का सोहर आप कह ले सकते हैं जो गाया जा रहा है। तो या आप जो सोज खानी हमारे दोस्त करते हैं सईद नकवी से भी कभी आप बात करें, जावेद नकवी से, उनके भाई से, तो वे आपको अवधि के इतने सारे नौहे और नात और बाकी चीजें सुनाएंगे अवधि और दूसरी भाषाओं के। तो ये हमारी जिंदगी में, हमारी भाषा में रचे बसे हैं, इनको
अलग करने का मतलब उसको उसको रीडिस्कवर करने का, उसको पूरी तरह से जैसे आप अपने कपड़े को फाड़ दें कुछ उसी तरह का हो जाएगा। वह कोशिश हो रही, हम लोगों को प्रयास यह करना पड़ेगा कि वह कोशिश सफल ना हो। इसलिए हम सिर्फ क्रुद्ध होके बात नहीं कर सकते, हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे समाज को एक चिरंतन उत्तेजना में रखने का प्रयास किया जा रहा है, और अगर वह चिरंतन उत्तेजना में रहेगा तो वह किसी भी चीज को ठीक से देख भी नहीं पाएगा, समझ भी नहीं पाएगा। हम उत्तेजना में किसी चीज को देख भी नहीं पाते हैं, समझ भी नहीं पाते जी। तो इस उत्तेजना को कम करने की जरूरत है, तापमान को नीचे लाने की जरूरत है जी। और जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, वैसे बातचीत के मौके ज्यादा से ज्यादा समाज में पैदा करने की जरूरत, यह हमारी आपकी जिम्मेदारी है, हम इससे भाग नहीं सकते, बिल्कुल हम निराश नहीं हो सकते। धन्यवाद, बहुत अच्छी बातें आपने बताई, और आपने वो भोजपुरी का गाना भी याद दिला के बहुत ही, मैं कहूंगा कि आपने बिल्कुल उसी तरह का काम किया जैसे कि हर वैष्णव जन को करना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे श्रोताओं से कम जाके हम गांधी के भजनों की, गांधी के वैष्णव जन, रघुपति राघव राजा राम, इन सबको दोबारा सुनिए और लोगों को सुनाइए। नमस्कार।